रहे। वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने आभार जताया है और साथ ही एक बयान भी जारी किया है। अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं, यह एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए बड़ा सम्मान है। आडवाणी ने कहा, यह मेरे आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है। तो वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने आभार जताया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जारी किया है ये बयान। अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं, यह एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है। आडवाणी ने कहा कि मेरे आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है। आडवाणी ने कहा, तो वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने आभार जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए किस प्रकार से फूलों का जो बुके है वो भेंट किया गया। साथ ही देखिए आभार जो है वो आज जताया गया है। हालांकि जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो पहले की तस्वीरें हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये तो कहा है कि अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं, यह एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है, ये मेरे आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है। तो आडवाणी ने कहा, साथ ही देखिए तो ये जो बयान है वो जारी किया है, उसके साथ ही आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही कहा कि अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मैं इस रत्न का सम्मान करता हूं, एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए एक सम्मान जो है वो आज किया गया है, मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने ये बयान जारी किया है, अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न को स्वीकार करता हूं, यह एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है। आडवाणी ने कहा, साथियों आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। तो देखिए अब जो ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो हम दिखा रहे हैं। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी है और साथ ही इन तमाम बातों का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो एक्स के जरिए इन बातों का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक सफर की जो शुरुआत है 1942 में आरएसएस की, बीजेपी के सह संस्थापक है आडवाणी और कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1980 से 1986 तक लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के महासचिव रहे। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को 2 सीटों से 182 सीटों पर पहुंचाया। देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी।
तो ये राजनीतिक सफर है आडवाणी का, 10वीं और 14वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। 2015 में देश के पद्म विभूषण से सम्मानित हुए, देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। वर्ष 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली। 1976 से लेकर 1982 तक गुजरात में राज्यसभा के सदस्य रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने।